हमीरपुर डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले दो छात्रों को कॉलेज हॉस्टल से बाहर निकालने के मामले में कॉलेज प्रशासन ने दोनों छात्रों के परिजनों को कॉलेज तलब किया और मामले को लेकर गहनता से विचार किया। हालांकि कॉलेज प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्बाल की माने तो दोनों छात्रों का कॉलेज से नाम काटा गया है और इस कारण हॉस्टल में नहीं जा सकते। वहीं दोनों छात्रों ने कॉलेज हॉस्टल वार्डन पर भी मारपीट का आरोप लगाया है, जिसकी पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के बाल छात्रावास के दो छात्रों ने वार्डन पर उनके साथ मारपीट करने और उनके हॉस्टल से बाहर निकालने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। छात्रों ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह बाल छात्रावास में रहते हैं। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास के वार्डन ने 17 नवंबर की रात उनके साथ मारपीट की और उन्हें छात्रावास से बाहर निकाल दिया, जिस कारण उन्हें रात छात्रावास के गेट के पास ही ठंड में गुजारनी पड़ी। छात्रों का कहना है कि वार्डन ने उनके साथ गाली गलौज किया, मारपीट से उनके शरीर पर चोटें आई हैं। आरोप है कि वार्डन की मार से एक छात्र के गुप्तांग पर भी चोट आई है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर HS जम्वाल का कहना है कि दोनों छात्रों के नाम कक्षाएं ना लगाने के कारण काट दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों छात्रों के परिजनों को कॉलेज बुलाया गया है और उनके साथ ही छात्रों की दोबारा से कॉलेज में एंट्री होगी। ये है कि ये उन बच्चों की नाम कट गए हैं, री एडमिशन इन्हें करवाई नहीं है, तो जब री एडमिशन नहीं है तो कॉलेज रूल पर नहीं है, तो ऐसे जब कॉलेज रूल में नहीं है तो हॉस्टल में ऐसे बच्चों को नहीं रखा जा सकता। इनके बारे में बहुत कंप्लेंट थी कि बहुत इन्होंने इंडिसिप्लिन क्रिएट किया हुआ है, अपनी मर्जी से आना जाना था, इसलिए इनको अस्थायी रूप से इनकी अलॉटमेंट हमने रद्द की थी और पेरेंट्स बुलाए इनके कई बार, लेकिन उन्होंने कभी सूचना नहीं दी है और हुड़दंगबाजी करते थे, इस कारण से उनका मत गया। जब क्लास में नहीं आता है तो वो नाम करता है, हर 10 दिन के बाद नाम कर जाता है, लेकिन वो इतना सिस्टम इतना निर्दयनीय है कि उसको रीएडमिशन नहीं करवाते हम। वो आना होता लेकिन ये आते नहीं, सीधे ही एग्जाम के लिए आए हैं, बीच में लिखे भी ना गायब हैं, तो उसमें कोई टीचर को गलती नहीं है। क्लास में आएंगे तभी उनकी रीएडमिशन होगी। और इनकी सबसे बड़ी बात जो दो लड़कों की बात है, ये कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं लाते हैं, ना तो उनसे बात करवाते हैं, जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं तो ये बातें नहीं करवाते हैं।